रांझा एक ऐसे व्यक्ति जिसने सिखाया भाई गरीबों के लिए प्यार नहीं गांड बलात होती है। कहानी शुरू होती है हमारे कुंदन भाई से जो कि बच्चे रहते हैं, तो ये खेलते रहते हैं भाई, पूजा पाठ करते हैं भाई, लेकिन एक दिन ऐसे भटकते भटकते पहुंच जाते हैं भाई मस्जिद, वहाँ मिलते हैं जोया से, और ये बंदा 8 क्लास में होगा, इसको उससे प्यार हो गया। ये कौन सी कहानी चल रही है? बच्चे बड़े नहीं हुए चमड़ी मैटर चालू, हम 7-8 क्लास में पोकेमॉन देख के भाई खुश होते थे यार, तो भाई प्यार आगे बढ़ाने के लिए क्या करते, सोचो वो जहाँ पे डांस कर रहे उसको स्टॉप करते हैं, वो नाच रही जाके देख रहे हैं, स्कूल में जाके ताड़ रहे हैं उसको, और इतनी मटर कस्ती करने के बाद फाइनली बंदे के अंदर हिम्मत आती है, बंदा जाता है उससे कैसे बात करता है, हाथ पकड़ के बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बंदे ने आज तक बात नहीं करा, सीधे प्रपोज, तो बंदी एक गीज के चमाटा मारती है कि साले गरीब काले भग जाए से, और कुंदन भाई को लगता है प्यार पड़ चुकी है, तो फिर जोया कहती है कि भाई तुम डेली आओ, डेली जा पड़काओ, तब जाके कुछ सोचूंगी मैं। कुंदन भाई तो है ही बेरोजगार भाई, जाते हैं डेली झापड़ खाने के लिए, ये किस तरह का प्यार है भाई, झापड़ खाने से कौन सा प्यार हो रहा है आजकल लोग को। फिर एक दिन कुंदन भाई इनसे मिलते हैं और भाई देते हैं लव लेटर, और ये बंदी कहती है तुम कितने बड़े जाहिल हो, तुमको लव लेटर लिखते भी नहीं बनता। तुम जाहिल हो, ऐसी लड़की को प्रपोज करते हैं, इससे और कितनी बेइज्जती कराएगा भाई। इतने में समझ जाना था कि भाई वो बंदी तेरे लिए नहीं बनी, फिर जोया को पता लग जाता कि भाई ये तो हिंदू और वो मुसलमान है, तो भाई बसड़ हो जाती है काफी ज्यादा, मतलब अलग हो जाते हैं दोनों। पर कुंदन भाई तो आए बेरोजगार, पहुंच जाते हैं भाई इनके ऑटो में, वैसे कुंदन गरीब रहता है तो ये साइकिल में जाता है उसके ऑटो के पीछे। तुम्हारे कुंदन भाई कहते हैं या तो तू मेरी हो जानी तो मैं तेरी आंखें लोच लूंगा, वो कहती है चल बे गरीब, तो ये बंदा अपनी नसें काट लेता है उसके सामने, और वो गले लगा लेती है इसको, तो लगता है इसको प्यार हो गया। इसे प्यार नहीं कहते भाई, इसे कहते हैं मानसिक रूप की बीमारी, इसने जीवन में कुछ नहीं करना इसको भाई, ना परवाह है किसी की, बस प्यार में डूबना है इसको भाई को, जब से साला पैदा हुआ बस चमड़ी मैटर करना भाई को। ये बंदा जीवन में कुछ नहीं कर रहा, पूरा जीवन शरम जो भी होता है यार, अपना मतलब जीवन दे दिया इसने पूरा जोया के लिए, जीवन दान कर दिया भाई ने जोया के लिए, और जोया ने आज तक उसको बोला भी नहीं प्यार से कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, प्यार करती हूँ। बंदी तो भाई चाटा मारती है इसको, तुम्हारे जोया के रोड पता लग जाता है कि भाई जोया का चक्कर चल रहा है, तो एक चाटा मारते और कहते हैं चल निकल जा कहीं और, बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं इसको। तुम्हारे कुंदन भाई भगते भगते निकलते हैं ट्रेन में देखने के लिए इसको, साइकिल में जाता है ऐसे बंदा देखने के लिए उसको, और गिर जाता भाई, वाह प्यार अंधा नहीं होता बेवकूफ़ होता भाई। तो कुंदन भाई को लगता है सच्चा प्यार हो गया भाई उनको जोया से, मतलब जोया को हो गया उनसे, तो भाई नाचते हैं होली में बिल्कुल बिंदास होके। और कुंदन के दो दोस्त रहते हैं जो कि एक स्वरा भास्कर और एक पंडित जी, इनका नाम मुझे पता नहीं, तो भाई ये दोस्त रहता है अच्छा दोस्त रहता है ऐसे, हर दिक्कत में साथ देता है, ये बताता भी कि जोया एकदम पागल है क्यों पड़ा उसके पीछे, लेकिन कुंदन भाई तो है दिमाग से पागल भाई, और स्वरा भास्कर पागल है कुंदन के पीछे, उसको अलग थरक चढ़ी रहती है, मंदिर के सामने सब ऐसी हरकतें करते हैं लोग होली में, ज्यादा ही कुछ आपस नहीं सब लोग के अंदर। कुंदन के पजामे का नाड़ा इतना ढीला नहीं है बिंदिया, जो तेरे ब्लाउज के दो हुक पे खुल जाए। पता लगता है जोया काफी महंगे कॉलेज में भाई पढ़ाई वढ़ाई कर रही है वो, जहाँ पे कुंदन जा नहीं सकता क्योंकि वो तो भाई सिलेंडर ठीक कर रहा है जोया के घर पे। हाँ ये बंदा उस घर में सिलेंडर लगाता है, पोछा लगाता है, काम धंधा करता है, और इस बंदे को भाई शादी करनी उसी बंदी से, इसी घर में पोछा उछा लगा रहा है। मेंटली रिटार्ड मानसिक रूप से पागल था भाई कुंदन, गांजा पी लो दारू पी लो सड़क में लेट जाओ किसी को चार रैपिड मार दो, लेकिन भाई कुंदन मत बनो, प्यार में तबाह मत करो खुद को इस तरह से यार। फिर जोया काफी सालों बाद आती है भाई बनारस वापस, तो कुंदन भाई जाते लंगूरों की तरह गुलदस्ता लेके मिलने के लिए, और बंदी पूरा इग्नोर कर देती है, बंदी उसको देखती तक नहीं, बंदी के लिए वो एग्जिस्ट भी नहीं करता भाई, भाई इतनी बेइज्जती मेरी होती ना भाई मैं बनारस के तालाब में डूब जाता यार। पर कुंदन भाई हार नहीं मानते, बंदा इतना बेवकूफ़ है घर में घुस गया उसके, गैस लगा रहा है, लेकिन इतनी क्रीप वाली हरकतें कर रहा है कि भाई जहाँ गैस लगाने गया वहाँ लड़की छेड़ रहा, मतलब देखे जा रहा है उसको यार, ऐसा रियल लाइफ में करोगे से हरेसमेंट कहते हैं, बंदी से जेल में डालेगी, चाटे और खाओगे। कोई भाई होता ना जोया का इतने जूते मारता कुंदन को कसम से, ऐसी ऐसी हरकत है भाई प्यार में, प्यार भी एक अरे भाई कौन ऐसी बेवकूफ़ी हरकतें करता है किसी घर में जाके भाई गैस लगाने की जगह भाई लड़की ताड़ रहा है, यहाँ अगर म्यूजिक चेंज कर दूँ ये प्यार तुम्हारा पूरा क्रीपीनेस बन जाएगी। भाई को इतना में शांति नहीं मिलती, वो बंदी छत में निकलती तो बंदा जाता मुँह उठा के कहता है मैं भाई कुंदन जो तुम्हें चाटा आटा मारा था भाई बचपन में। जोया कहती है अरे तो भाई फकीर है तू कैसे जिंदा अभी तक, मतलब कुछ काम धंधा करा कि नहीं करा। तो फिर मिल जाते हैं काफ़ी सालों बाद, कुंदन भाई पूरा इरादा बना के बैठे कि भाई शादी करना है जोया से ही करना है, कोई बंदी वीडियो देख रही है तुमको अगर कोई बंदा नहीं पसंद भाई सीधे बोल दो उसके, झूठा दिलासा मत दो, एक चाटा मारो या भगा दो उसको, झूठा दिलासा मत ही दो, इस्तेमाल तो मत ही करो, तुम भी बर्बाद होगे साथ में कुंदन तो बर्बाद होता ही है। फिर जोया की घरवाले शादी फिक्स कर देते किसी के साथ उसकी, और हमारे कुंदन भाई गुस्से में जाते हैं उसका हाथ मरोड़ देते हैं, कहते कि तुम मेरी नहीं होगी किसी की भी नहीं होगी, सच्चा प्यार है वैसे ही। और हमारी जोया मोहतरमा क्या कहती है, अरे भाई मुझे भी शादी नहीं करनी, मेरी सहायता करो तुम कुंदन। फिर कुंदन भाई हमारे दिमाग लगाते हैं और स्वरा भास्कर को भेजते हैं भाई डॉक्टर के पास, और कहते हैं कि भाई इसकी तबीयत खराब है, और वीडियो निकाल लेते हैं उसकी गलत तरीके से, अश्लील तरीके से मतलब, और डॉक्टर की शादी होने वाली थी भाई जोया के साथ वही दुला था मतलब, तो ये दिखा देते हैं भाई कितना अश्लील है ऐसा वैसा, टूट जाता है रिश्ता पूरा। और फिर अपना सारा काम निकालने के बाद हमारी जोया मोहतरमा कहती है अरे भाई मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ, ये बंदी चाहती पहले ही बोल देती है निकल जा गरीब तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं है मुझको, लेकिन नहीं इस्तेमाल भी करना है उसको। तुम्हारे कुंदन भाई इसको स्कूटर में घुमाते थे जोया को, तो वो जाते हैं बनारस के तालाब में छोटा डालते हैं, ये होता है सच्चा प्यार, खुद तो डूबेंगे साथ में लेके डूबेंगे। तो अब तुम सोचो बंदा क्या करेगा ऐसे में, मूव ऑन करेगा अपने ऊपर ध्यान देगा, नहीं कुंदन भाई नसी काट लेते हैं अपनी, अरे मेरे जाहिल कुंदन।
और ये जाते हैं दोबारा जोया से मिलने के लिए। जोया कहती है तुम कितने बड़े जाहिल हो, तुमको नस काटने के अलावा कुछ नहीं आता क्या? तुमने फिर कलाई काट दी, कोई कितना गवार हो सकता है? एक तो इतनी बेइज्जती करती भाई कुंदन की, भाई शर्म वरम लाज कुछ है कि नहीं तेरे अंदर? या तो उसको डुबा दे भाई तालाब में, खुद डूब जा भाई। और हमारी जोया मोहतरमा फिर कहती है कि मेरी हेल्प करो शादी करने के लिए किसी और बंदे से। वाह रे, और कुंदन भाई इतने बेवकूफ़ इतने बड़े जाहिल हैं कि वो करते भी हैं। और कुंदन भाई फिर डायलॉगबाजी करते हैं कि तू जोया होती है कोई और, मैं उसके लिए भी इतना ही करता, मैं उससे भी इतना ही प्यार करता। पागल है भाई कुंदन, सही में मेंटली डिस्टर्ब है बंदा। तू तो मैं उससे भी इतना ही टूट के प्यार करता, तुम्हें क्या लगता है जोया? तुम्हारी जोया बताती है कॉलेज में उसको प्यार हो गया था भाई अबे देओल से, जो कि सीएम बनना चाहता है, पॉलिटिकल अपनी पूरी पार्टी चलाता भाई बंदा। और इनकी पहली मुलाकात कैसे हुई थी? चार लोग दारू पी के नाच रहे, बंदी जाती है बोलती है आप लोग कितना अच्छा गाते हो, आपको बैंड खोलना चाहिए। ये बंदी पागल तो नहीं है भाई? अरे आप सब तो बहुत ही अच्छा गाते हैं, आपको सोशल वर्क छोड़ के सच में एक बैंड खोलना चाहिए। ये बंदी भी अलग बावली है, अरे चार लोग दारू पी के नाच रहे, कौन जाके ऐसी बातें करता है भाई सामने से? और बंदा सामने से ऐसा कुछ बोलता है, और आप मोहतरमा इतनी खूबसूरत है कि आपको एक कॉलेज छोड़ के हीरोइन बन जाना चाहिए, कोई कितना गवार हो सकता है? और उनका प्यार कैसे होता है, बंदा छेड़ता है उसे, उसकी कलाई पकड़ लेता है, उसकी इतनी बेइज्जती करता है, तो भाई सच्चा प्यार हो जाता है इन दोनों को। तो लड़को आपको अगर लड़की पटानी पहले उनको छेड़ो भाई, दारू पी के घूमते रहो यहाँ से वहाँ, लड़कियाँ को जाके आपको बोलेंगी क्या गाते हो आप, मजाक था ही। अगर सैम को ऐसा करने वाला तो भाई मेरा नाम मत लेना। तो यार कुंदन भाई का दिल टूटा रहता है, तो जाते हैं गुस्से में बोल देते हैं कि भाई मैं शादी करूंगा स्वरा भास्कर से। और कुंदन भाई इतने बेच रहे हैं, इतनी बेइज्जती होने के बाद तब भी काम करे जा रहे हैं भाई जोया के घर पे, कहीं टेंट पे काम कर रहा है, कहीं गैस ठीक कर रहा है। तो दिल टूटा आशिक बन जाते हैं हमारे कुंदन भाई, बिल्कुल ही दिल टूटे रहते हैं, दुख में डूब जाते हैं। तब इनके दोस्त आके संभालते हैं इनको, और तब ये पेपर देखते हैं, पेपर में फिर जाते हैं गुस्से में भाई जोया के घर पे, और जाके बोलते हैं अभय देओल को कि साले हैकिंग कर रहा है, चीटिंग कर रहा है तू। और पता लगता है कि भाई अभय देओल तो भाई हमारे हिंदू हैं, जो कि नाटक कर रहे थे मुस्लिम बनने का शादी करने के लिए जोया से। तो काफ़ी बड़ा विवाद होता है, काफ़ी बड़ा मैटर बन जाता है। जोया कहती है अरे मत करो कुंदन भाई, कुंदन भाई कहता है चल भे अब तू निकल। और काफ़ी बड़ी भसड़ होती है फिर, और फिर कुंदन भाई रिग्रेट करते कि उसने क्या कर दिया। तो जाते हैं देखने के लिए, और पता लगता है कि भाई हमारे अभय देओल को तो पील दिया लोगों ने भाई, मॉब लिंचिंग हो गई भाई की, उनको ग्रुप ने बहुत गंदा पीटा, मतलब कुत्ता बना के पीटा भाई। वो पटरी में ऐसे लेटे रहते हैं, मिलते हैं उनको अधमरी हालत में, और पता लगता है जोया मोहतरमा ने हाथ काट ली। ये सेम बंदी इसने बोला था कि भाई कुंदन तुम कितने बड़े जाहिल हो, तुम बस नस काटते हो, कोई कितना गवार हो सकता है? अब पता लगता है इसी सेम दिन शादी थी कुंदन की, लेकिन कुंदन भाई तो किसी और की शादी में बर्बादी करने में बिजी थे। इसको देख के लग रहा कैसे मैं जाऊँ मूवी के अंदर चाटे मारूँ इसको। फिर भाई जाते हैं मुँह उठा के अपने घर में, इसके पापा कहते हैं कि साले बेदखल नपुंसक क्या कर रहा है तू, सारा बात कर देख के बोलती है साले भग जा घर से यहाँ से। तो उसका पापा बेदखल कर देता है, घर से भाई निकाल देता है। मज़ा आ रहा कहानी में, यहाँ पे इंटरव्यू होता है। तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं भाई, ये वीडियो स्पॉन्सर है? नहीं, ये कोई स्पॉन्सर नहीं मिला मुझे भाई, बहुत बुरी हालत चल रही है भाई। वो अरे विमल राजश्री कोई स्पॉन्सर दे दो यार, कम से कम मैं खाता भी नहीं फिर भी कर दूंगा स्पॉन्सर यार, बोल दूंगा भाई कैंसर नहीं फैलता उससे।